बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन भेजे हमें हमारी गाड़ी के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाते जाए। इतनी सारी क्वेरीज आई फोन पे, इंस्टाग्राम पे, इनके इंस्टाग्राम पे भी, मतलब सब पूछे जा रहे गाड़ी के बारे में। तो हम अब एक एक वीडियो करके आपको सारा कुछ अपनी गाड़ी के बारे में बताते जाएंगे। वैसे आज वीडियो किसी से बना रहे हम पर सबसे पहले जरूरी है हमें हमारी गाड़ी के ये कपड़े उतारने। एक्चुअली देखो भाई, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम, ठीक है। और हर मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी होता है वो चाहता है कि उसकी गाड़ी कुछ टाइम तक तो नहीं लगे। हाँ, पंचायत मूवी, वो पंचायत सीरीज देखी है, चक्का वाली कुर्सी पन्नी चढ़ी रहनी चाहिए, वही चीज है। लेकिन अभी काफी टाइम हो गया और जेब से खर्चा भी बहुत हो गया है। कहीं भी जाओ नई गाड़ी है, कहीं भी जाओ नई गाड़ी है, कोई भी आता है उसको देना ही पड़ता है। तो नहीं नहीं, देख के हर किसी को पन्नी के चक्कर में हो ही जाता है कि नहीं को है। हम ये सारा उतारेंगे और गाड़ी के बारे में कुछ डिटेल्स भी है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सीट कवर भी देखते हैं कैसे लगा के दिए कंपनी वालों ने। चलो मैं गाड़ी को फटाफट से नंगा पुंगा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो भैया शुरू हो गया काम, बेबी क्या कर रही है यार? मैंने सोचा था कम से कम दो ढाई महीने पन्नी चढ़ी रहेगी, लेकिन पन्नी चढ़ाना तो पीछे रबड़ देगा, आराम से लगे, चोट ना लगे। ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है हम लोगों को। ये कंपनी वाले फुल बढ़िया सीट तो वैसे अच्छी लगा के दी है, अब बैठ के फील लेंगे पूरा। अच्छा था मतलब सर्विस हमारी बहुत अच्छी मिली है। मुझे नहीं पता लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, पर हमारा डीलर्स के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये पीछे गेट खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो फुल ऑन फाइनल। ये बेटे ये कैसे निकलेगा? ये सीट खुलेगी आई थिंक यहाँ से, पता नहीं, देखो थोड़ा हटो एक बार, उधर से देखना, उधर भी खींचना है क्या? उधर भी है वैसे। सीट खुलती है कहीं से आई थिंक, उधर देखना ऐसा है क्या? कैसा ये? हाँ, हाँ खींचना उसको ऊपर ये। हाँ तो कर, हाँ अब निकाल दो, बहुत बढ़िया निकल गया। हाँ। ये सी अच्छी है, निकल गई फाइनली। खींचो और इलास्टिक काफी अच्छे से पैक करके दिया है ना। खेचो 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 जोर लगा के हैया। मैं ना भाग गिर जाऊं। आराम से, ये चोट मत खाना बस। तो भैया पीछे की सीट तो हो गई, निकाल दी। ये देखो इसको, देखो इसको हरकतें, देखो इसकी हरकतें। पीछे से का तो हो गया, अब बारी आगे की। तो ये भैया चालू हो गई फिर से। मजा आता है मेरे को, घर पे भी देखते गिफ्ट आते हैं कितने अच्छे से लोग पैक करके भेजते हैं। ये काम ना बड़ी इज्जत के साथ भी हो सकता था। ये देखो अब इसने थोड़ा दिमाग लगाया। मेरे को बाद में समझ आया कि जिनसे कोई फायदा नहीं है, ये बड़े आराम से उतर रहे हैं। सीट तो अच्छी लगा के दी है भाई, मजा आ रहा सीट देख के। पूरा इसका बताते हैं सीट का भी क्या हिसाब। अब ये वाली उतारो, ये मैं उतारता हूँ। ये उतार दी मैंने इधर से, आओ इधर से निकालो, इधर से आ जाओ। साइड चेंज हो चुकी फिर से मैम की। मेहनत इतनी है, मैं तो थक गई भाई साहब। पता है कितना काम करती हूँ मैं, ओनली पन्नी निकालने का। गाड़ी भी चला के लाई हूँ, बता दे क्यों नहीं चला। चला के दिखाते सी बात पे, चला के दिखाते सी बात पे। सारा टैलेंट नहीं दिखाते, नजर लग जाती है लोगों की गंदी गंदी। अच्छा देख रहे हो, तो भैया गाड़ी की पन्नी तो हट चुकी। हाँ अब कोई मिठाई और हमसे ऐसे ऐसे करके पैसे नहीं मांगेगा। हाँ। देने नहीं वाले क्योंकि हम बहुत लुट गए। अब हम दिखाते हैं कंपनी से हमें क्या क्या मिला इसके अंदर और कैसे कैसी चीजें मिली हैं, ठीक है। मॉडल बाद में बताएंगे, अगर आप गैस करके बताना मॉडल कौन सा है ये। और इसके अंदर हम लोगों ने सीट कवर वगैरह सब कंपनी का लिया है, तो अब हम आपको अंदर से पूरा डिटेल से बताते हैं उसके बारे में कि क्वालिटी पैसे सब कुछ। सबसे पहले चलते हैं आगे वाली सीट पे। अब हम आ गए गाड़ी के अंदर, तो बेबी पन्नी निकाल के कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है बेचारी को नंगा पंगा धोधा सा कर दिया। लेकिन देखो फीलिंग, अब फीलिंग काफी अच्छी आ रही है और बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है। अब इस पे बैठने में भी, इसको देखने में भी, सीट कवर्स के मैं आपको डिजाइन। पन्नी ने थोड़ी फिसल रही थी। हाँ डिजाइन दिखाती हूँ डिटेल से, इतने प्रीमियम लुक है इसका, बहुत ही ज्यादा अच्छे इसके कवर है। बेबी जूम करके दिखाओ अच्छे से। तो जी ये कंपनी ने ही हमें लगा के दिया, मतलब हमने एक्सेसरीज में ये लिए थे और इतनी प्यारे ये प्रीमियम लुक है इसका। देखो कोई मतलब चटक मटक लाल पीला सा सफेद सा कलर नहीं है इसके अंदर, एकदम स्टिचिंग इसकी इतनी मतलब क्लासी स्टिचिंग दी है उन लोगों और कंपनी ने पूरी गारंटी दी है इसकी। और इसकी गारंटी भी कितने साल? दो साल।
दो साल की इसकी गारंटी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर स्टिचिंग वगैरह खराब हो जाती है तो सेम टाइम चेंज है, हाँ, चेंज करके देंगे वो हमें। और पीछे के भी इसी तरीके से हैं, बिल्कुल सुंदर, पीछे के भी अच्छे हैं, मतलब कंफर्टेबल सीट है काफी इसकी। हाँ। और इसके अंदर हमें साथ से साथ मिला है, सबसे पहले मिला ये कंट्रोल्स, छोटा सा ये ऑटोमेटिक एसी, ये तो सबको पता ही क्या है, गियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपनी की तरफ से हमें मिली हैं। तो ये चीजें हैं कुछ इसके अंदर जो हमने कंपनी से ली थी। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे कि आपको पता है गाड़ी है, गाड़ी लेता है इंसान क्यों लेता है, हमारी तो थोड़ी बहुत सी चीजें छोटी नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, यहाँ वहां फलाना ढिमकाना, तो हमें ये मजबूरी लेनी पड़ी। मजबूरी क्या, और मैंने कहीं ना बहुत सारी चीजें ऐसी वैसी सोची थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फाइनली ब्रीजा हमारे हाथ लग गई और बहुत ही अच्छी लग रही है। पन्नी उतरने के बाद क्या ऐसा लग रहा है जैसे अब हम ढंग से बैठ रहे हैं, पहले ना और ना, वैसे मेरे को इसका रेड कलर ज्यादा पसंद था। अच्छा दोस्तों चलो आप ही बता देना, आपने मेरी गाड़ी का कलर देख लिया, सच्ची मतलब कसम से बताना कि रेड कलर में अच्छी लगती है या ये क्लासी सा सिल्वर कलर अच्छा लगता है। रेड कलर क्या लग रही थी यार, सीरियसली लड़कों की घटिया, हमारी थोड़ी सी ना भैंस हुई थी कि हाँ भाई ये वो, तो हमने टॉस किया तो टॉस में ये जीत गए, इसलिए कलर लेना पड़ेगा। मेरे भाई को भी मतलब इतनी टट्टी पसंद है ना उसकी भी और इनकी भी, वो भी कह रहा चेरी रेड ना इतना प्यारा लगता है पसंद। मुझे मेरी सासू माँ ने पसंद करा था, पसंद मुझे मेरी सासू माँ ने पसंद करा था। तुम तो रहने दो ठीक है, तुमने तो जादू टोना कर दिया मेरे जैसी भोली बच्ची पे, बताओ। तो ये चीजें हैं इस गाड़ी में, तो सीट कवर तो फाइनली हो गई और चलाने में सीरियसली गाड़ी बहुत अच्छी है। अभी छोटा सा ड्राइविंग दिखाएंगे चलाने में, और इसका सीट कम्फर्ट, अगर आप लॉन्ग टूर पे भी जा रहे हो ना इसको लेके, तो आपको थकान नहीं होगी, क्योंकि मैंने कई सारी गाड़ियां चलाई हैं, बलेनो चलाई है, मेरे पास सेंट्रो रह चुकी है, तो सेंट्रो से सीधा अगर ब्रीजा पे आप आ रहे हो तो उसका अपग्रेड आपको पता ही है। मतलब सेंट्रो के बाद ये ब्रीजा पे आ रहे हो और फिर कंपेयर कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन देख रहे हो, मतलब सेंट्रो नो डाउट अच्छी है, गाड़ी नॉर्मल जैसे हम मिडिल क्लास के लिए सेंट्रो ही बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत नहीं बहुत बढ़िया गाड़ी, सीएनजी वाली थी, यहाँ से हरिद्वार जा रहे हो ठीक है 250 किलोमीटर 350 की टंकी फुल करा चले जाओ, लेकिन ब्रीजा का थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है, आगे चल के हो सकता है इसके अंदर, पर है भी तो क्लासी। तो ये भी चीज है, सारी चीज अच्छी है इसके अंदर। तो अगर आपको हमारी गाड़ी का सीट कवर अच्छा लगा हो और हमारी गाड़ी का कलर भी, कलर हाँ, तो आप बताना, आप कलर बताना रेड अच्छा है ये कलर डेफिनेटली अच्छा बताना मेरी गाड़ी का कलर कैसा लग रहा है आपको। इनको छोड़ो ये तो मतलब इनका बस चले ना दुनिया लाल कर दे, मेरे कपड़े लाल, साड़ी लाल, सूट लाल, अब तो गाड़ी भी लाल चाहिए इनको, मतलब लाल गाड़ी कोई खरीदता है वो रेड से ना थोड़ा सा अलग कलर है बेबी, वो चटक चेरी रेड है, लाल चटक लाल मस्त था, सीरियसली मैंने फर्स्ट लुक देखा ना वो माय गॉड क्या चटक लाल था वो, मतलब सच्ची बताना कलर कैसा लग रहा है, मैं सीरियसली आप लोगों से। और ये हमारे चैनल पे ना इस गाड़ी की ऑलमोस्ट सारी हर तरह की वीडियो आएंगी। अभी इसके अंदर मुझे कई सारी चीजें अपग्रेड करनी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक तो मुझे लगवाने इसके अंदर अलॉय ठीक है, तो आप मुझे बताओ 17 इंच के लगाऊं 18 इंच के लगाऊं ठीक है, और साथ में लगवाना है मैं इसके अंदर छोटा सा म्यूजिक सिस्टम, सोच रहे ना लगवाए, एक बार मैंने आपको म्यूजिक सिस्टम सुनाऊंगा इसका भी आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बताना कैसा लगा म्यूजिक सिस्टम का, सही है मेरे ख्याल से हमें इसमें इनफ है, लेकिन ज्यादा शोर सवार पसंद नहीं है, और अभी हम लोग ज्यादा शोर सुनते भी नहीं है। एक दोस्त है वो बोला कि म्यूजिक लगा क्योंकि मजा आएगा, तो ट्राई करेंगे और हमें कुछ चीजें चेंज कर, जैसे कि इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। अब मुझे इसके अंदर ना ये चेंज करवाना है, ये कंपनी छोटा दिया है और इसको बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा, इनको इनका कहना है कि हमें ये वाला ब्लैक, अगर ये अपग्रेड कराएंगे तो उसकी वीडियो बना के जरूर दूंगा मैं आपको, हमारे चैनल मिलती रहेगी। और इसके ऊपर भी इसका प्रॉपर सीरीज हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जैसे ब्रीजा का पहला आ चुका है हमारा डिलीवरी का, सेकंड ये है, जो जो काम होता जाएगा जैसे जैसे इसकी माइलेज वगैरह, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई हमारे साथ ड्राइव करता है तो उसका एक्सपीरियंस, जो जो इसमें अपग्रेड होंगी चीजें, मतलब टोटल हम लोग सब अपलोड करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहना, प्यार खूब सारा देते रहना हमें, और जो भी आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए हमें कमेंट करना, हम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी नए व्लॉग्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ना मैं ब्रीजा से तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई मेरे को गाड़ी मिली है, लेकिन ना मैं ब्रीजा मालिक जो कंपनी है ना उनकी ना एक चीज से बेकार खुश नहीं हूँ, बहुत कम हूँ, वो क्या है मैं दिखाता हूँ एक सेकंड रुको। 10 लाख रुपए की गाड़ी बनाई है ये ठीक है, लेकिन चाबी देखो यार चाबी देखो, इससे पहले वाला जो मॉडल था ना उसके अंदर पुश स्टार्ट बटन था, यहाँ पे वो भी गायब कर दिया इन्होंने, तो ये यार क्रॉस कटिंग अच्छी नहीं लगी मेरे को, क्योंकि मैं सोचा था ये चीजें होंगी, बट ठीक है, लेकिन इस चाबी का तो कुछ करो यार, लेकिन ऐसा लगता है कि हम छोटी गाड़ी कोई सस्ती गाड़ी लेके चल रहे क्या, मतलब कुछ भी कॉम्पैक्ट एसयूवी और चाबी की, मेरी सेंट्रो की चाबी भी ऐसी थी सेंट्रो तो अपने सेगमेंट में मस्त थी सबसे, सेंट्रो की चाबी भी।
ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसी चाबी भी दे दो उसको फ्लिप की बना के देते ना तो और अच्छा लगता है। क्यों बेबी? सही बात है, ये मतलब ना ज्यादा थोड़ी नकली 2-3 हजार रुपए की फ्लिप की बनती है, वैसी बना के देते और मजा आता। लेकिन हाँ, मैं जल्दी ही अपनी चाबी चेंज कराऊंगा और उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा डिजाइन और सब कुछ हमने सोचा है कि किस तरह की हमें चाबी बनवानी है, क्योंकि ये तो ये यार ये जेब में रखने में मजा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती जब बाहर निकालो जेब में से। तो किसी चाबी दो, अरे 10 लाख की गाड़ी लेके चल रहा, लेकिन ये फीलिंग यार 10 लाख की, हाँ सॉरी वही समझ रहा हूँ, महंगी है दोस्तों। 11 लाख की गाड़ी लेके है, 11 लाख में ये चाबी यार सेट यार, मतलब कुछ भी। तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, बस बस गाड़ी से सब कुछ अच्छा है गाड़ी के अंदर, बस एक चाबी ही बेकार है, बाकी तो मजेदार गाड़ी है। तो अब मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल सुष्मिता राहुल राठौर को, खूब सारा प्यार और बताना मुझे कि इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मुझे कराने चाहिए, आप थोड़ा सा वो कर देना। और दूसरी चीज आप मुझे ये बताओ, अलॉय 17 इंच या 18 इंच और कलर लाल अच्छा था या ये अच्छा था? जरूर वैसे लाल कलर आ नहीं सकता, तो अब कहते हैं ना कि हाँ अगर हमारे पास सेंट्रो है या हमारे पास कोई भी गाड़ी है तो हमारे लिए जगुआर से कम नहीं है, तो ये तो ब्रीजा है, ये भी जगुआर से कम नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बता ही देना कि सिल्वर कलर बहुत अच्छा है। तो वो तो अच्छा आप तो है ही, क्या कर सकते हैं, लाल को तो बोल, लाल तो पेंट करा ही नहीं सकते हम। थम्स डाउन टू रेड कलर। चलो मिलते हैं दोस्तों आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।